चला गया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सनातन गोस्वामी का दिव्य चरित्र को। उन्होंने अपना जीवन चरित्र के द्वारा हमें जो सुंदर सुंदर उन्होंने उपदेश दिया है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे, अभी सनातन गोस्वामी बहुत दूर से आए, चल चल करके इधर उधर का पानी पी पी करके शरीर में खुजली हो गई थी, उसमें कभी कभी पस भी निकलता था। लेकिन महाप्रभु उनको जोर जबरदस्त उनको आलिंगन करते थे, लेकिन इससे वो बड़े दुखी हो जाते थे। क्यों? कहाँ ठाकुर जी, मेरे शरीर से कहाँ पस निकल रहा है, और ठाकुर जी जोर करके आलिंगन करते हैं और मेरे शरीर का पस भगवान का शरीर में लगता है, वो बड़े दुखी होते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं, कहते पितार जैसे बालक देर अमेध्य लागे गाय घृणा नहीं करे आर महासुख है। जैसे छोटा बच्चा जब टाटी पेशाब कर देता है, क्या पिता माता उसको घृणा करते हैं? घृणा नहीं करते, बल्कि अगर टाटी पेशाब नहीं कर दुखी हो जाते, टाटी पेशाब क्यों नहीं किया, शरीर तो खराब नहीं हो गया है, उसको शरीर तो खराब नहीं हो गया। जैसे पिता माता को सुख होता है, उसी तरह यहाँ पर कहते हैं जो सनातन गोस्वामी को शरीर जो निकलता है पैसे, उससे भगवान खुश होते थे। क्यों? सब हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे पिता है ना, हम उनके बच्चे हैं, इसलिए वो बड़े खुश होते थे। तो उन्होंने जगदानंद पंडित है महाप्रभु का भक्त है, कहते जो सत्यभामा की अवतार है, एक दिन बोले जगदानंद बताओ क्या करनी चाहिए मुझे, मुझे क्या करनी चाहिए, लगता है मेरे को यहाँ से वृंदावन चले जानी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जोर जोर करके मेरे को आलिंगन करते, मैं नहीं चाहने पर। तब जगदानंद बोले ठीक बोल रहे हो, तुम ठीक बोल रहे हो, तुमको वृंदावन चली जानी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास में गए, प्रभु मेरे को आदेश दो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। बोले किसने बोले? बोले जगदानंद पंडित बोले, परामर्श दिए। महाप्रभु इतने बिगड़ गए, बोले तो कल का जगा है, कल का जगा होकर के कहाँ सनातन गोस्वामी, कहाँ प्रवीण, कहाँ प्राइम मिनिस्टर, मुख्य प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, कभी कभी मैं भी उनसे परामर्श लेता हूँ। मैं भी महाप्रभु एक समय वृंदावन यात्रा कर रहे थे, बहुत लोग साथ में जा रहे थे, इतने में महाप्रभु जाते समय सनातन गोस्वामी कहते बोले प्रभु वृंदावन जाई बार ये न है परिपाटी, कहते आप जो वृंदावन जा रहे हो ना, इतने लोगों को संगठ करके यहाँ जाने का ये परिपाटी नहीं, अब वृंदावन क्यों जा रहे हो, रह कर भजन करोगे ना, भक्ति करेंगे, लेकिन जब इतना लोग साथ में जाएंगे, कौन कहाँ भर रहा, क्या खाया, उनको क्या सुविधा, क्या असुविधा देखोगे तो तुम्हारी भजन कब होगा। इसलिए आप वहां तो जा रहे हो कृष्ण प्रेम में, राधा जी के प्रेम में डूबने के लिए। इसलिए सनातन गोस्वामी महाप्रभु को भी परामर्श देते थे, ये करो ये मत करो। कहते जहाँ मैं स्वयं
जिनसे परामर्श लेता हो तू उसको उपदेश दे रहे हो। महाप्रभु उसको बड़े डांट लगा दी। इसको सुन करके सनातन गोस्वामी देखो बहुत बड़ी यहाँ पर शिक्षा देते हैं। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं बोले जगत आनंद पियाओ आत्मीयता सुधारस मोरे पियाओ गौरव वस्तुति नीम निंदारस। यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बोले जगदानंद पंडित को तो आप रस पान करा रहे हो हैं, सुधा रस अमृत पिला रहे हो, क्यों उसको डांट रहे हो, और मेरे को क्या कह रहे हो नीम रस मेरे को पान करा रहे हो। इसमें शिक्षा देते हैं पिता माता किसको शासन करते हैं, जिसको प्यार करते हैं। अगर प्रेम नहीं हो ना, मर रहा है उसको मरने दो ना, मर रहे तो उसको मरने दो। लेकिन जो पिता माता देखते हैं बच्चे बिगड़ते हैं तो क्या करते हैं उसको शासन करते हैं, क्यों अगर अभी उसको हम शासन नहीं करेंगे तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा, उसकी भविष्य बिगड़ जाएगा। जिसको अपना समझे तब उसको तो शासन करेंगे ना, आज जिसको अपना नहीं समझे हैं, गलत काम कोई करे तो हैं वो शासन नहीं करेगा, कर रहे मरने मर रहे मरने दो। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जगदानंद को देखो प्रभु आप तो जगदानंद को कितने प्रेम करते हो। बोले प्रेम करते हो मतलब क्या है, आप उसको शासन करते हो, शासन करना मतलब होता है उसको आप प्रेम करते हो अपना समझते हो। और मेरे को क्या कर रहे हो, कहते मेरे को क्या कर रहे हो है, मेरे को स्तुति कर रहे हो मतलब क्या, मेरे को नीम रस पान कर रहे हो। इसका मतलब है भक्ति जगत में जो शासन है ना वो ज्यादा लाभदायी है, भक्ति जगत में जो प्रशंसा है वो ज्यादा लाभदायी नहीं है, ये शिक्षा देते हैं। इसलिए जिसको जो जितने शासन करते हैं, जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, हमारे जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज थे, उनको तू ही बोल करके बात करते थे, सबको आप बोलते थे, बोले दो व्यक्ति को तू तू करके बात करते, क्यों अत्यंत प्रियता है, तो अत्यंत प्रिय है तू। अभी हमारी मंदिर में एक भक्ति रंजन सागर महाराज, वो आचार्य है हमारे मंदिर, वो खुद कहते थे बोले गुरुदेव का शासन हमने सहा तभी आज हम इतने बड़े पद में, मंदिर का आचार्य है, क्यों कभी उन्होंने गलत काम किया गुरु जी डंडे मार करके ना डंडे भी तोड़ दिए उनको ऊपर में, तुमने ये गलत काम क्यों किया है, हैं क्यों। गुरुदेव शासन किसको करते हैं, जिसको अपना समझते हैं, और जिसको अपना नहीं समझते है ना गुरुदेव उसको शासन नहीं करते, मर रहे मरने तो जो बात नहीं सुनता जो करना करे। लेकिन अगर गुरुदेव किसको शासन करते हैं क्या समझनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्रेम गुरुदेव मेरे को कर रहे हैं, क्यों हमें शासन करते हैं। इसलिए भक्ति जगत में जो शासन है ना, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं करीबे शासने कब ऐसे दिन आएगा जो कि मेरे को सखियां शासन करेगी। बोले कैसे, बोले एक समय नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अभी राधा कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, अभी नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण लीला में एक मंजरी उन्होंने चरण में नुपुर पहन करके जब चलते हैं ना तो छम छम आवाज, अभी तो इतना पहनते नहीं, पहले सबके सब स्त्रियां जब हमारे देश में शादी होकर जाती थी सब स्त्रियां नुपुर पहनेंगे और यहाँ से यहाँ तक चूड़ियां पहन करके जाती थी जब वो अपना ससुर घर में जाती थी। बोले क्यों, जब पत्नी जब घर की काम करती ना चूड़ियां की झनझन आवाज होती है, जब पत्नी जब घर में चलती है उनको पैर में जो नुपुर है वो छम 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 आवाज होता है, जिसको सुन करके पति बड़ा खुश होता था, अरे मेरी पत्नी चल रही है और मेरी पत्नी घर की काम कर रही है, हाथ की जो शंखा की जो चूड़ी की जो आवाज उसको सुनकर पति खुश होता था। इसलिए स्त्रियां इसको पहन करके जाया करती थी अपना ससुर घर में। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मैं प्यार का नुपुर जो पहन करके छम छम करके चलूंगी, इतने में राधा कृष्ण विश्राम करते होंगे, हाँ मेरे को सखियां और ललिता मिश्रा का शासन करे, तू क्या कर रहे हो, राधा कृष्ण सहन कर रहे हैं, तुम प्यार का नुपुर पहन करके जा रहे हो छमछम आवाज हो रहा है, उनकी सुख निद्रा भंग नहीं हो जाएगा, हाँ इतना आवाज मत क्या करो, राधा कृष्ण सो रहे हैं। इसलिए भक्ति जगत में जो शासन है वो हमारी लाभदायी ज्यादा है, प्रशंसा ज्यादा लाभदायी नहीं है, ज्यादा लाभदायी नहीं। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु आप जगदानंद पंडित को कितने आप प्रेम करते हो आज मेरे को पता चला,
क्योंकि आप उसको शासन किया ना और मेरे को प्रेम नहीं करते हो, क्योंकि मेरा प्रशंसा आपने कर दी, हम तो मेरे को नीम रस आपने पान कराया और उसको आप इसको अमृत पान करा रहे हो, हम आप यहाँ शिक्षा देते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी ये कहते इनका जीवन में बहुत बहुत अच्छी अच्छी लीला है इनका जीवन में। कहते जब कहते ये सनातन गोस्वामी हाँ कहते जिस समय महाप्रभु कहाँ थे, पुरी में थे भक्तों के साथ में। सनातन गोस्वामी कहाँ रह रहे थे, वृंदावन में रह रहे थे। जब वृंदावन में कोई भक्त जाते थे, सनातन गोस्वामी उनको हाथ में महाप्रभु के लिए कुछ चीज भेजते थे। बोले क्या भेजते थे उनके पास में, बोले पहला नंबर है जहाँ भगवान ने रासलीला की है वो रासलीला का जो मिट्टी धूल, क्योंकि हम भक्तों का चरण धूल लेते हैं ना, कहते चरण धूल क्यों लेते हैं, वो चरण धूल साधारण नहीं, सारे शक्ति उसके अंदर में। जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, ये क्या है, ये ब्रज रज ही है, ये ब्रज रज है जिसको नारद जी ब्रज से लेकर द्वारका गए, भगवान का सर दर्द और भगवान का जो बुखार हुआ था उसको स्नान किया तो सही हुआ, इसलिए ये मिट्टी वहीं से आता है। इसलिए कहते हैं धूला नहीं धूली नहीं गोपीपद रेणु जय रेणु मेखचलो नंद बेटार कानू, भैया ये ब्रजरज साधारण वस्तु नहीं, भगवान में स्वयं कहते हैं अनुब्रजामी अहम नित्यम तुये एत अंगर रेणु भी, मैं भी भक्तों का पीछे 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 डोलता रहता हूँ। बोले क्यों, बोले इनसे मैं ऋणी लेकर के ना, उनसे भक्त लोग मेरे सेवा करते हैं, जब सेवा करते हैं कोई किसी अगर सेवा करेगा तो क्या होगा, वो ऋणी बन जाएगा, हाँ ऋणी बन जाएगा। इसलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ भैया मेरे से तो कुछ ले लो, इतने मेरी सेवा कर तो मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, कुछ तो मेरे से ले लो। फिर भगवान क्या, अगर भक्तों को बोलू ना फिर भक्त क्या कहते, प्रभु न धनम न जनम न सुंदरी कविता बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। कहते प्रभु हमें धन जन पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहिए, हम तो जन्म जन्मांतर के आपके चरण में हमें भक्ति दो, हाँ चरण की प्रेम हमें प्रदान करो। भगवान कहते तो कुछ तो लेते नहीं, फिर देने के लिए चाहते, फिर कहते हमें आपकी चरण की सेवा दो, फिर तो मैं ऋणी के ऊपर ऋणी बन जाता हूँ। मैं सोचता हूँ भैया इनका ऋणी से उऋणी कैसे बनूं, किसी तरह से भक्त से मैं उऋणी नहीं बन पाता हूँ, इसलिए सोचता हूँ अगर इनकी चरण धूलि थोड़ा ले लूं हो सकता है उऋणी बन जाऊंगा। अगर कोई भक्त है, कोई अगर भगवान अगर किसी भक्तों को बोले चरण धूलि ले, भक्त कोई देगा चरण धूलि, कोई देगा ठाकुर जी को, कोई देगा ही नहीं। इसलिए भगवान सोचते है अगर मैं भक्तों का पीछे 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 चलूंगा ना, धूल तो उड़ेगा ही, उड़ेगा तो मेरे सर पर पड़ेगा तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा, हैं? मैं ऋणी से उऋणी बन जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर कहते रास मंडल जहाँ पर ठाकुर जी रासलीला किया है, सर्वश्रेष्ठ लीला जय जय ज्वलरस सर्वरस सार, भगवान की सर्वश्रेष्ठ लीला रासलीला है। इसलिए ठाकुर जी जहाँ रासलीला किया है वो जो रासलीला का जो धूल है वो साधारण धूल नहीं है। भगवान जहाँ पर जितने बड़े से बड़े महत्वपूर्ण लीला किया है उस स्थान का धूल उतना ही श्रेष्ठ है। इसलिए क्या करते थे, जब कोई भक्त जाते थे उनको साथ में ये धूल भेज देते थे और उसको भक्त लोग अपना सर पर लगाते हैं। हम ब्रज में देखा जो व्यक्ति परिक्रमा करने आते हैं ना, वो हर जगह मिट्टी थोड़ी थोड़ी ले जाते हैं घर में, हर जगह लीला चले हर मिट्टी को वो रख लेते हैं, रख करके रोज रोज क्या करते सवेरे ना है सवेरे थोड़ी सी धूल को लेकर के अपना मुंह में डाल देते, क्यों भगवान के लीला स्थलियों का ये धूल है, इस धूल कोई साधारण धूल नहीं पवित्र धूल है। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी क्या करते थे, इसलिए रासस्थली का जो बालू और दूसरी चीज क्या भेजते थे, गिरिराज शिला है, गिरिराज शिला भेजते थे। बोले क्यों, बोले जो गिरिराज है राधा रानी कहती है, बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम। कहती गिरिराज कौन है, बोले भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त श्री गिरिराज। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जोर से बोलो, बोले गिरिराज की जय। इसलिए उन्होंने गिरिराज शिला भेजते थे, क्यों कहते हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज, राधा रानी को क्या कह रही है, बोले देखो हरिदास
श्री गिरिराज गोवर्धन की कितने भाग्य तो देखो, हाय हाय, ये गिरिराज जैसे कृष्ण का सेवा करता है मैं भी ऐसी सेवा नहीं कर पाता हूँ। क्यों? कृष्ण जब गिरिराज में जाते हैं उनके चरण स्पर्श पा करके जो वहाँ के जो घास नहीं, जैसे हमारे शरीर रोंगेट खड़े हो जाते हैं ना प्रेम से, जैसे उनका रोंगेट खड़ा हुआ हुआ है, जो झरना नहीं, जैसे प्रेम से कभी कभी हमारा आंखों से आंसू बहती है, वो उनका आंसू विसर्जन होता है। हर भगवान जब गिरिराज में जाते हैं, गिरिराज क्या कहते हैं, गिरिराज कठोर है, भगवान की चरण तो कितने कोमल है। गोपियां कहती है कृष्ण का चरण इतने कोमल है, उनकी चरण तो हम बख्शे स्थल ऊपर में धारण करने के लिए हमको कष्ट लगता है, इतना कोमल चरण है। ठाकुर जी हमारा बख्शे स्थल तो कठोर है, उनका कष्ट नहीं होगा है, इसलिए इतने कोमल चरण। इसलिए जब कृष्ण गिरिराज में जाते है ना, गिरिराज जी क्या करते, अपना जो जीवा को वो निकाल देते है। जीहा कितना गुदगुदी होता है, गुदगुदी होता है ना जिस कारपेट है, इसलिए जीहा को उन्होंने निकाल देते हैं। कृष्ण उनकी जीवा के ऊपर में चरण रखते हैं, और संत लोग तो अपना हृदय को बिछा देते हैं ठाकुर के लिए हैं, संत हृदय को बिछा देते हैं। इसलिए कृष्ण कंदमूल, वहां से फल मूल, वहां के दूध दही सब कुछ ठाकुर जी सब कुछ गिरिराज की कंदरा कंदरा में लीला करते हैं, कुंज कुंज में रास लीला करते हैं, और गोवर्धन में कितने ठाकुर जी लीला करते हैं। राधा रानी कहती है देखो ये सबके सब तो गिरिराज की सेवा करते, लेकिन मैं एक दुर्भागी हूँ, मैं कोई ठाकुर का सेवा नहीं कर पाती हूँ। इसलिए कहता गिरिराज की कृपा होगा ना, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, अब भक्तों का कृपा से ही भक्ति मिलती है, और भक्ति के द्वारा ही भगवत प्राप्ति भक्ति के द्वारा होता है। इसलिए उन्होंने क्या करते थे, ये गिरिराज शिला को भेज देते, और क्योंकि गिरिराज की कृपा सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते थे ना, ठाकुर जी स्वयं उनको क्या किया, गिरिराज शिला प्रदान किया उनको है, गिरिराज शिला प्रदान की, बोला अगर इसको चार बार परिक्रमा करोगे तो गिरिराज शिला परिक्रमा करने की, गिरिराज परिक्रमा करने की तुमको फल की प्राप्ति होगी है। इसलिए जो गिरिराज है, कहते सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, हमारे जो गुरु भक्ति वेदास नारायण गोस्वामी महाराज, इन्होंने भी गिरिराज में रहकर कठोर साधन भजन किया है। रोज रोज दो तुला हरिनाम करना, गिरिराज की परिक्रमा करना, सारी गोस्वामी ग्रंथ पढ़ना, किसी तरह से घर से माधुगिरी लेकर के भोजन कर लेते थे गुरुदेव, खुद गुरुदेव कहते थे गोस्वामियों ने जैसे भजन किया है मैंने भी कोशिश की गिरिराज में रह करके ऐसे भजन करने के लिए है। इसलिए क्या भेजते थे, कहते गोवर्धन शिला भेज देते थे महाप्रभु के लिए, और बोले सुस्को पाका पीलू फल, कहते एक उधर के पीलू फल होता है वो खाने में मीठा खट्टा मीठा लगता है, कहते जब और कहाँ से वृंदावन से पुरी तक एक महीना लगेगा चल चल कर जाने के, तब भेजें कैसे, उसको सुखा लेते थे फल को, फल को सुखा लेते थे, जब सूख जाता था वो तो बहुत दिन तक रहेगा, फिर तो कपड़े में बांध करके महाप्रभु के लिए भेजते थे। जो भेजते थे और पुरी में जितने भक्त लोग थे ना, बोले वृंदावन से आया है हाँ, कोई चीज अगर वृंदावन से आए, हम कहते वृंदावन से ठाकुर के धाम से आए, दो प्रसाद दो है, ठाकुर के प्रसाद है, भगवान से लड्डू लाए हो, पेड़ा लाए हो, लो वृंदावन के प्रसाद दो। इसलिए हम भी जब वृंदावन से जाते थे, कहाँ वृंदावदी में जाते थे पूरी, अरे वहाँ के लड्डू लाए कि नहीं, वहाँ के पेड़ा लाए कि नहीं, तभी तो पता चलेगा आप वृंदावन से आए हो। इसलिए भक्त लोग हम लोगों के पास में आते थे, जगन्नाथपुरी में जब जाए, जगन्नाथपुरी से बोले वहाँ के जगन्नाथ जी खाजा लाए कि नहीं, जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध है वहाँ खाजा प्रसाद है, बोले खाजा प्रसाद लाए कि नहीं। इसलिए जब यहाँ से पीलू फल ले जाते थे, कहते जब पीलू फल जब ले जाते थे उस समय में हैं, कहते इसको भक्त लोग खा कर बड़े खुश होते थे, और क्या भेजते थे, बोले गुंजा माला है, गुंजा के फल है, देखे नहीं देखे ना, इतना वो जंगल में होता है, बोले गुंजा तस परिपीच लसत मुख है, कृष्ण ये गुंजा माला पहनते हैं, वो इतने बड़े छोटे छोटे होता है, उसको ऊपर में काला होता है पूरा लाल होता है। इसलिए महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, दो चीज दिया था, एक गिरिराज शिला दिया और एक गुंजा माला दिया, बोले जो गिरिराज शिला नहीं ये कृष्ण है, और जो गुंजा माला है ना ये स्वयं राधा रानी, इसलिए वृंदावन से फल मिलता था। इसलिए राधा रानी की स्मरण करने के लिए महाप्रभु जब गिरिराज को देखते थे कृष्ण स्मरण होता था, जब गुंजा माला दर्शन करते थे उनको राधा रानी की स्मरण होता था।
ये चीज को भेज देते थे। इसलिए इसको देख देख करके महाप्रभु को वृंदावन की स्मृति होती थी। चक्र महाप्रभु, इसलिए सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे अक्सर करके वो शंकर जी को साथ में इनकी बड़ी प्रेम था। अगर गोवर्धन में जाते थे वहां पर श्री चक्लेश्वर महादेव वहां पर रहते थे। जब वहां पर रहते थे रोज रोज उनको दूध डालते थे। दूध डालने पर देखना क्या हो जाता है, सब कीचड़ हो जाता है और गंदा हो जाता है, बदबू आती है, इसलिए मच्छर होते थे। जब ये भजन करते थे इनको भजन करने के लिए नहीं थे, मच्छर रात में काटते रहे। इसलिए कोई एक संत कहते थे बोले रात को ये मच्छर क्यों काटते है, मच्छर क्यों काटते हैं, मानो मच्छर कहता है तो भगवान की भजन करने के लिए आए ना, सुनने के लिए आए हो, भगवान ये जीवन दिया भजन करने के लिए, इसलिए मच्छर काट कर उठा उठा उठो हरि नाम करो, क्या सो रहे हो अभी तक तो सो रहे हो। इसलिए वह मच्छर काटते थे और सनातन गोस्वामी बोले शंकर जी को, शंकर जी यहाँ पर जब रात को मैं भजन करता हूँ हरिनाम करता हूँ, हाँ वो तो सोते नहीं थे हैं, उनका जो साधन भजन था, इसलिए कैसे साधन भजन था, चैतन्य चरितामृत में आते हैं केतन का भजन का परिपाटी कैसे है, बोले अक्की अनी के दूहे बने जत्तो वृक्ष गण। उनका कोई घर नहीं होता था हैं? कोई घर उनका नहीं होता था, कहते जितने पेड़ है ना हर पेड़ को नीचे, आज एक पेड़ को नीचे रहे कल दूसरे पेड़ को नीचे, तीसरे दिन तीसरे पेड़ को नीचे। बोले क्यों, बोले पहला कारण है एक तो कहीं आसक्त नहीं हो जाए, दूसरा है हर वृंदावन की हर वृक्ष को नीचे ठाकुर जी ने अलग अलग कहीं लीला किया, कहीं बंसरी बजाए कहीं रास रचाए कहीं सखाओं के साथ में खेला किया। इसलिए कहते हैं एक एक वृक्ष नीचे एक एक रात्रि शयन, एक एक पेड़ को नीचे एक एक रात्रि शयन करते थे। और क्या करते, विप्र गृह स्थूल भी क्या कहा माधु करी, कहीं तो उन्होंने विप्र गृह में ब्राह्मणों के घर में माधुकरी, माधुकरी जानते कि नहीं, रोटी सब्जी ले लेते थे, दे करके बस उसको खा लेते थे, खा करके पास में कमंडल रहता तो उसमें पानी रखते थे, जब मिट्टी का होता ना मिट्टी का जो कड़ुआ होता है पात्र होता है उसमें पानी रहता था और बस उसी पानी को पी लेते थे। और सुस्को रोटी चाणा चिबाई भोग परिहरी, कहते कहाँ प्राइम मिनिस्टर थे देश का, राजा कहाँ, लेकिन भजन कैसे करते थे, बोले सूखा रोटी, बोले रोज रोज कहाँ से रोटी मिलेगा, इसलिए ज्यादा रोटी मिला तो उसको रख लिया सूखा रोटी, बाद जैसे सवेरे गए तो घर में जैसे बासी रोटी है उसको ले लिया, लेकर के बस उसको खा लिए, कभी कभी चाना होता है ना सूखा जो चाना है, कभी वो चाना पी खा लिए, छाला खा कर क्या करते थे, सारे भोग को परित्याग करके करिया मात्र हाथे कांथा छिड़ा बहरी बास, साथ में क्या रहता था जो 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 मिट्टी का करुआ है, और क्या, और एक कंबल रहता था, कभी वो फट्टे फुट्टे कंबल है गुदड़ी, इसलिए उसको शरीर में उसको ही ओढ़ लेते थे, वृक्षों के नीचे जहाँ सोना वहीं सो जाते थे, बस भजन करते थे। और अभी तो हम लोगों को घर को अंदर भी ठंडा लगता है, लेकिन वो लोग पेड़ को नीचे वृंदावन के पेड़ को नीचे किसी तरह से ओढ़ करके सो जाते थे, और सो करके बस भजन कैसे करते थे, बोले कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयन, कहते दिन रात करते थे क्या आपस में, कहते मत कथा चिंता बोधयंत परस्परम कथयंति च माम नित्यम तु सती चरमन, उनका साधन का परिपाटी कैसे था, बोले हर समय कृष्ण कथा कृष्ण नाम चर्चा, केवल हरि की चर्चा और कोई चर्चा है नहीं। और क्या करते थे माला में, जब कृष्ण कथा बोलते बोलते थे दूसरे समय में बस दिन रात भगवान की माला जप करते थे, हाँ लाख लाख हरिनाम करते थे। और कभी क्या होता था कभी कृष्ण प्रेम में, जैसे हम लोग नाचते हैं ना, कभी कभी कृष्ण प्रेम में भक्त लोग मिलकर कभी कभी नृत्य कीर्तन करते थे। इसलिए हमारे एकादश स्कंध में बताया हसत्य था गायत उन्माद लोकवत, जब कृष्ण प्रेम में हैं कहते हैं हैं कहते हैं एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग दुर्पचित होते, बोले एवं व्रतः, उनका जीवन का व्रत क्या है,
व्रत कृष्ण नाम ही उनका जीवन का व्रत है, हैं? अपना जो सो प्रिय नाम, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते कृष्णा नाम कीर्तन करते करते क्या करते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी जमीन के ऊपर, कभी लोट पोट खाते थे, है कृष्ण प्रेम में कभी कभी नर्तन उल्लास। कहते अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, कितना समय भजन करते थे, बोले अष्ट प्रहर, छब्बीस घंटा है, छब्बीस घंटा पूरा के पूरा इसको अष्ट प्रहर करते हैं, हाँ प्रहर, इसलिए 26 घंटा को 8 भाग में विभक्त किया जाता है, 8 पहर का 24 घंटा, 8 प्रहर का 26 घंटा। कहते अष्ट प्रहर कीर्तन हरिनाम भजन में करते थे, और कभी कभी अगर नींद आई तो कभी कभी चारी दंड कभी कभी सहन करते थे, चारी दंड सहन करते थोड़ी समय सोते थे। और कभी कभी क्या होता था, नाम संकीर्तन प्रेम सही नए कौन दिन, कभी कभी अगर कृष्ण प्रेम में अगर कभी उसमें डूब गए तो कृष्ण नाम में कभी कभी वो भी नहीं हो पाता था, मतलब 26 घंटा कभी कभी सोते भी नहीं थे। लेकिन एक दिन अगर हम नहीं सोए ना, हमें क्या हो जाता, अवस्था खराब हो जाता, क्योंकि वो तो एक तो भगवान के नित्य परिकर है, भगवान की नित्य प्रिय है, और जो हृदय में प्रभु की भक्ति जागृत हो जाए ना, जो प्रेम नामाचार हरिदास ठाकुर क्या करते थे, 3,000,000 हरिनाम करते थे, अगर हम 16 माला करते तो दिन भर खत्म नहीं कर पाते, 16 माला ही खत्म नहीं कर पाते, और वो 3,000,000 हरिनाम करते थे, कैसे करते थे, अगर 1,00,000 बैठ कर हरिनाम करना, माला दर्द हो जाएगा, जीवा भी दर्द हो जाएगी और अंगुली भी दर्द हो जाएगी माला करते करते, है। लेकिन वो लोग कैसे करते थे, भले जब प्रभु का नाम करते 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 जब उसमें रुचि अवस्था आ जाए, वो नाम स्वयं इनके जुहा पर, ये नाम स्वयं प्रकट हो जाता है, जिह्वा के ऊपर उनकी नाम प्रकट हो जाता है, उसी समय में उनको कष्ट नहीं, वो जिह्वा अपने आप नाचने लग जाता है, थिरकने लग जाती है, उस समय कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एकदम बद्ध जीव है, हाँ, इसलिए हमको भगवान के नाम करने में कष्ट होता है, लेकिन टीवी देखने में कष्ट नहीं होता है, टीवी देखने में कष्ट नहीं होता है, इसलिए मतलब कभी कभी वो भी ना है, कब भक्ति शास्त्र करने लिखन, और क्या करते थे, कभी कभी भक्ति शास्त्र को, जैसे सनातन गोस्वामी उन्होंने क्या लिखे, सनातन गोस्वामी उन्होंने बृहत भागवतामृत है, उन्होंने बृहत भागवतामृत उन्होंने लिखे, और उन्होंने लिखे हैं, और उन्होंने लिखे जो व्याकरण, जो लघु व्याकरण लिखे है, उसको साथ साथ में उन्होंने टीकाएं लिखे है, सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास को उन्होंने लिखे है, ये सब करते हुए भी उसका अंदर अंदर में उन्होंने ये सब ग्रंथों का भी हुए रचना करते थे, ग्रंथों को रचना करते थे, इसलिए नाम संकीर्तन प्रश्न कौन देने करें लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन करते थे, क्या महाप्रभु की कथा सुनते थे और महाप्रभु की कथा बोलते थे, क्योंकि महाप्रभु को जो कथा है ना, कहते साधु पावा बड़ कष्ट जीवर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला न दिया, कहते महाप्रभु का जो चर्चा है ना, वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है, कारण है वो कृष्ण ही जगत में देखा साधु पाना कलयुग में बहुत कठिन है, हम साधु किसको कहते, जो लंबे चौड़े तिलक लगाए, एकदम लाल कपड़ा पहने हैं, मोटे मोटे माला, हाथ में त्रिशूल रहे, वो बैठ कर गंजा फूंक रहे हैं बैठ करके, हैं हे बोले बड़ी धुन जमा कर रखे, बोले ये बहुत बहुत बड़ा साधु है कलयुग में, इसलिए कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, साधु भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने बोले साधु पावा बड़ा कष्ट जीवर जानी, उन्होंने देखा कलयुग में साधु मिलना बहुत ही कठिन है, इसलिए साधु गुरु रूप पे कृष्ण आयलन दिया, कृष्ण ही कलयुग में एक साधु का रूप धारण करते हुए कलयुग में आए, क्यों, एक साधु का आदर्श को दिखाने के लिए, साधुओं का चरित्र कैसे रहता है, उनका रहना सहना, उनकी चाल चलन कैसे रहता है, भगवान स्वयं एक साधु बनकर के उन्होंने अपना जीवन में इस सब चीज को उन्होंने दिखाया है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं
कभी श्री सनातन गोस्वामी क्या रात को दिन भजन करते थे, बैठे करके हरिनाम करते थे, लेकिन ये मच्छर काटते थे। अभी जो मच्छर काटते थे वो हरिनाम नहीं कर पाते थे, बोले भोले बाबा अब रहो आनंद से, मैं तो जा रहा हूँ, अब एक बार रहो अपना भजन करो बैठ करके। शंकर भी तो बैठ कर भजन करते, बोले आप भजन करो भैया मेरे से नहीं हो पाता है, ये मच्छर काटते रहते हैं भजन करने नहीं देते, मैं तो जा रहा हूँ। शंकर जी बोले भैया यहाँ से मत जाया करो, है आप रहो तो संतों का संग हमें मिल रहा है, क्योंकि वो तो परम संत है ना, ये लवंग मंजरी है, कृष्ण लीला में लवंग मंजरी। शंकर जी कौन? वैष्णव नाम यथा संभव, वो भी वैष्णव, एक वैष्णव देना। भक्त भक्त जब मिलते हैं क्या होता है, खुश होते हैं ना, क्योंकि आपस में हरि चर्चा। बोले चार मिले चौसठी खिले, उसमें बताया दस रहे करजोड़, बीस रहे करजोड़, हरिजन हरिजन से मिले वहां से एक करोड़। यहाँ पर कहते चार मिले चौसठी खिले, चार मिले जब एक भक्त एक भक्त से मिलते हैं, चार मतलब दो आंख इनकी और दो आंख उनकी, कितना हो गया चार, हाँ जब चार हाथ मिले तो चौसठी खिले, जब एक भक्त एक भक्त को तो खुश हो जाते ना, इसका बत्ती सिद्धांत उसकी बत्ती सिद्धांत कितना हो गया चौसठी हो गया। तो हंसते हैं एक चौसठ खिले, हाँ चौसठी खिले मतलब एक दांत खिल जाता ना, हंसते हैं भक्त भक्तों को दर्शन कर खुश होते हैं ना, भक्त भक्तों से देख खुश होते हैं। चौसठी खिले बोले बीस राय कर जोड़, फिर एक दूसरे को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमारी दस अंगुली उनका भी दस अंगुली कितना हो गया बीस, बीस रहे करोड़ जोड़। बोले हरिजन हरिजन से मिले, जब भक्त एक भक्तों को मिलते हैं बोले वहां से एक करोड़, बोले मतलब क्या है, जब भक्त भक्तों से मिलते हैं वहां से क्या हो जाता है, हमारी जो रोमावली है शरीर में जो रोम है वो खिल उठता है, प्रेम में खुश हो जाता है, वहां से एक करोड़, मतलब इसका भी पचास, हाँ पचास लाख, इनका भी पचास लाख, कितना हो गया एक करोड़ हो गया। इसलिए जब शंकर जी को साथ में जब मिलते हैं चल रहा है, उसको निकाल दो, नहीं तो और कोई हाथ पकड़ ले उसको, नहीं मेरे चल रहा सही चल रहा है, चल रहा है, सुन रहे हैं सब, हाँ सब सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए इसलिए कहते हैं वहां से एक करोड़ है, वहां से एक करोड़ हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए जब शंकर जी वैष्णव और ये भी वैष्णव है, हाँ जब एक वैष्णव मिलते खुश होते हैं, खुश होते हैं। और कलियुग में ना बोले संघ है शक्ति, कलियुग में अकेला भजन करना बहुत कठिन है, जब ज्यादा भक्त लोग हो, कीर्तन हो, नाच कीर्तन हो, तभी तो आनंद होता है, अकेले थोड़ी आनंद होता है, बल्कि धीरे धीरे भजन नीचे हो जाता है, लेकिन भक्तों के साथ में क्या होता है हरि भक्ति बढ़ती है, जैसे जूम में सब भक्त लोग जुड़ जाते हैं, बैठते हैं, कथा सुनते हैं, हैं? इसलिए तब उन्होंने बोले बोले सनातन गोस्वामी आप मत जाया करो, हाँ मत जाओ, बड़े भाग्य से तो संतों का संग मिला है, अब छोड़ कर जा रहे हो, अब रुक जाओ, मैं वरदान देता हूँ आज से यहाँ पर कोई मच्छर नहीं हो। आश्चर्य की बात है, तब से जब से शंकर जी बोले ना वहां पर जितने गंदगी, मच्छर कहाँ से होता है गंदगी, वहां पर जितने गंदगी क्यों नहीं फले, वहां पर तब से कभी मच्छर वहां नहीं होता है। इसलिए सनातन गोस्वामी अगर काम्यवन में जाते थे कामेश्वर महादेव को रहते थे, वृंदावन में रहते थे गोपेश्वर महादेव को दर्शन करने जाते थे। जब वृद्ध हो गए, सनातन गोस्वामी का गोपेश्वर मंदिर थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूर, इसलिए जब उनको असमर्थ हो गए, शंकर जी फिर दो बार रूप धारण किया, वहां पर एक बनखंडी महादेव है, वहां पर शंकर जी फिर प्रकट हुए बीच में, बोले आपका नजदीक में मैं आ जाता हूँ, आपको वहां जाने अगर कठिन होता है मैं आपकी नजदीक में आ जाता हूँ, है इसलिए इसलिए सनातन गोस्वामी नंदगांव में एक पावन सरोवर है, जब वो पावन सरोवर में भजन करते थे उसी समय में स्वयं कृष्ण आकर के उनको मिट्टी के पात्र में उनको दूध पिला कर जाते थे बाबा को, हैं वो तो कहीं मांगने नहीं जाते थे, कभी कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, नहीं जाते थे कहते भक्त कभी कभी भूखा रह नहीं सकता है, हैं भक्त कभी, कृष्ण खुद कहते ना अनन्य चिंतयंत माम जे जनहा परिजुपासते ते सांग नित्याभिजुक्ता नाम योगाक्षयम वाहम्यम। भगवान प्रतिज्ञा करते जो अनन्य रूप में मेरे भजन करते, अनन्य मतलब कोई दूसरे देवा देवी की नहीं, एकनिष्ठ होकर जो मेरी पूजा करता है, मेरा नाम मेरा कथा मैं उसमें जो डूबे रहते हैं उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले क्या काम करता हूँ, बोले घर में जो चीज नहीं होगा ना मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, और घर में जो चीज होता है
मैं एक चौकीदार बनकर उसको मैं रखवाली करता हूँ, भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण स्वयं ला करके मिट्टी के सकड़े में दूध ला करके एक बार दिया। सनातन गोस्वामी जीवन में बहुत दूध पिए, लेकिन जब उन्होंने ये दूध को पिया है ना, उनका तो रोम रोम खिली उठा। बोले इतने सुगंध, इतने मीठा दूध कभी हमने जिंदगी में पिया ही नहीं, इसमें इतने रस है। क्यों? कृष्ण स्वयं ला करके दूध को दिया। जब रूप गोस्वामी रहते थे कहाँ पर, टेर कदम पे, देखने टेर कदम गए, गए नहीं तुम लोग, इसको लेकर गई थी आप। इसलिए वहां पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, सनातन गोस्वामी पावन सरोवर में भजन करते थे। कभी कभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास में, सनातन गोस्वामी रूप, कभी कभी दोनों भाई दोनों के पास में आते थे, बैठ करके हरी चर्चा करते थे। जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास में आए, अभी हमें होता जैसे हमारे घर में कोई आते हैं, हम सोचते ना इनको क्या खिलाए, हाँ इनको कुछ खिलाए, तो उन्होंने देखा इनको क्या खिलाए, बोले इनको खीर बहुत पसंद है। बोले घना घर जंगल है, खीर कहाँ से आएगा, दूध चाहिए, उसमें चीनी चाहिए, काजू किशमिश चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, तभी तो खीर बनेगा। आज से 550 साल पहले वहां तो जंगल के सिवाय कुछ है ही नहीं, दो चार कहीं घर जो नंदगांव में, दो चार कहीं घर और कुछ नहीं, वो पूजा करते हैं पुजारी लोग वहाँ है, और कुछ है ही नहीं। इतने में राधा रानी स्वयं छोटी सी बालिका बन करके दूध काजू किशमिश चीनी ये सब लेकर आई। बोले बाबा बाबा लो इसको, लोग खीर बना कर खा लेना। लेकिन वो तो कृष्ण कथा में मस्त थे, बोले लाली रख करके तू चले जा, हमको कथा के बाद में खीर बना कर खाएंगे। लेकिन उन कथा ही खत्म नहीं हो, कथा किसकी हो रही है, राधा कृष्ण की कथा, कथा तो ठाकुर की कथा हो रही है। कहते कथा यद्यपि हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको अच्छी लगता है, ठाकुर जी, ठाकुर जी कथा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। ठाकुर जी को जितने भगवान की कथा उनको जितने प्यारा लगता है ना, और किसी को भी इतना प्यारा नहीं लगता है। इसलिए कलयुग में कृष्ण क्यों राधा जी की भाव अंग का लेकर महापुरुष रूप में क्यों आए, यही कारण है। कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में गए, सोच रहे हैं सब लीला को तो मैंने आस्वादन किया है, लेकिन एक चीज को मैंने आस्वादन नहीं कर पाया। बोले क्या, बोले राधा रानी का क्या प्रेम है, राधा रानी मेरे को जो प्रेम करते हैं, हैं मेरे को जो आनंद मिलता है ना, ऐसे करोड़ों गुना राधा जी को आनंद मिलता है। मेरे अंदर में क्या आनंद है जब मैं स्वयं अपना तस्वीर को परछाई को देखता हूँ ना, मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। कहते अपर कलित पूर्वम कष्टमत कार करी, कृष्ण कहती कौन है इतने सुंदर, इतने सुंदर कृष्ण परछाई को देख करके। कभी कृष्ण सोचते मैं कब राधा रानी बनकर इसको आलिंगन कब करो, क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण प्रेम को पूर्ण रूप में आस्वादन करती है। इसलिए कृष्ण का रूप नाम लीला में जितना आनंद है, जो आनंद है कृष्ण को ही। इसलिए कलयुग में उन्होंने देखा जब तक मैं राधा जी की भाव अंग कांति को नहीं लू तब तक इसको आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के श्री सचिन नंदन श्री गौर हरि रूप में आते हैं। बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की जय। इसलिए वो गौर हरि रूप में आकर के कृष्ण स्वयं, हा कृष्णा, कृष्ण खुद हो हैं राधा जी की भाव अंकाति लेकर, हा कृष्ण, जैसे राधा रानी दिन रात कृष्ण प्रेम में दीवानी रहती थी, महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण प्रेम में दीवानी बने रहते हैं। इसलिए कृष्ण कथा सबसे ज्यादा मधुर कृष्ण कथा है, और कृष्ण को अच्छी लगती, राधा रानी को अच्छी लगती है, हैं अच्छी लगती है। इसलिए अगर हमारी कथा अगर हमें सुनाया जाए, अरे व्यक्ति इतना बढ़िया, इतने काम करता, इतने महिमा, खुश हो जाते कि नहीं। इसलिए भगवान एक समय जयपुर में कोई संत आकर के हर साल क्लास देते थे, हर साल कथा करते थे, एक साल करके गए, दूसरे साल आए, जब आए लोगों को पूछे भाई भैया ये बताओ पिछले साल मैंने जो कथा कर रहा था कहाँ पर मैंने विश्राम दिया था, उसको बाद आपको कथा सुनाऊंगा, बोलो पिछले साल मैंने कहाँ पर कथा की थी। एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि आज जो खाओ ना कल ही याद नहीं रहता, आज जो खाओ कल ही याद नहीं रहता, और एक साल पहले कहा कथा सुनाए तो थोड़ी याद है, और सब भूल भूल गए हैं, सब भूल गए, एक दूसरे को देखने लगे। इतने में जो कथाकार था बोले लगता है यहाँ पर सही सही रूप में कोई सुनते नहीं है,
है, सही से कोई श्रोता नहीं। इतने में गोविंद देव मंदिर से आवाज है, बोले बाबा आप कैसे कहते हो कोई सुनते नहीं, मैं सुनता हूँ ना। ठाकुर जी कहते मैं सुनता हूँ ना, आपने कथा को यहाँ तक विश्राम दिया था, इसको बाद से फिर आगे कथा होगी है। इसलिए भगवान कथा के, इसलिए राधा रानी जब देखा हमारी कथा कर रहे, हमारी चर्चा कर रहे, हमारी भक्त, इसलिए फिर राधा रानी फिर घूम घाम करके आ गई, बोले बाबा वाह कथा करो, मैं रसोई बना देती। राधा रानी झट कंडा लगाए और वहां पर कंडा लगा कर झट उन्होंने क्या किया, खीर बढ़िया खीर बनाए, खीर बना करके रख लिए। खीर बना कर रख करके बोले बाबा बाबा प्रसाद पा लेना, मैं जा रही हूँ। बोले लाली कोई चिंता मत कर, तुम जाओ हम खा लेंगे। बड़े देर में जब कथा विश्राम हुई, फिर उन्होंने क्या की, बोले भैया कोई लाली आई थी, बोले मैं खीर बना कर गई हूँ। तब उन्होंने देखा सचमुच से खीर बनाए, तब उन्होंने खीर को उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाए। भोग लगा करके रूप गोस्वामी, जब श्री सनातन गोस्वामी को खीर दिया ना, खीर तो जिंदगी में बहुत खाए हैं, लेकिन जो खीर को स्वयं राधा रानी बनाई, राधा रानी को वरदान मिला क्या है, राधा रानी अमृत हस्ता, जो कुछ उनके हाथ में बनेगा वो अमृत बनेगा है। और क्या राधा रानी खीर बनाई और भोग किसने लगाई, रूप गोस्वामी रूप मंजरी ने भोग लगाई है। तो अब समझो उसमें कितना स्वाद नहीं होगा, किसको भोग लगाए, बोले श्याम सुंदर को। अब समझो उसमें कितना स्वाद नहीं होगा। हे सनातन गोस्वामी जब खीर खाए ना, इनको तो आंखों से आंसू की झरी बहने लग गई, इनका हृदय प्रेम में गदगद हो गया। तब श्री रूप गोस्वामी को बोले रूप तुमने मन में कुछ सोचा था, बोले हाँ आप बड़े दिनों से आए हो, मैं सोच रहा था थोड़ी खीर होता तो आपको थोड़ी सी मैं खीर खिलाता। बोले बताओ ये घना घोर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझे, कौन आकर ये खीर बना करके जाए, देखो ये खीर, देखो ये खीर साधारण किसी ने नहीं बनाया, वो बालिका कोई साधारण नहीं थी, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। देखो ये खीर में कितने स्वाद, सचमुच से रूप गोस्वामी जब खाए प्रेम में वो भी विभोर हो गए है। तब उन्होंने राधा रानी से क्षमा मांगे, हे राधे कहा आपको बना करके खिलानी चाहिए, आप तो आकर हमें बना कर खिला कर गई, हमारे अपराध को माफ कर दो। बोले ऐसे ये हुए सनातन गोस्वामी जिनके लिए राधा रानी स्वयं आकर के खीर बनाते हैं, कृष्ण आकर के जिसको स्वयं दूध दे करके, कृष्ण भी दूध दे करके जाते हैं, ऐसे श्री सनातन गोस्वामी। बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय। बोले श्री रूप गोस्वामी की जय। कहते श्री, बोले काशी में, कहते वर्धमान जिला में एक है श्री जीवन चक्रवर्ती है, कोई एक ब्राह्मण है। तो उन्होंने काशी विश्वनाथ जी को आराधना की, बोले क्यों, बोले घर में उनकी एक बेटी है, वो बेटी शादी के लायक हो गई, अभी कुछ पैसा चाहिए बेटी को शादी देने के लिए। पहले ब्राह्मण लोग तो भिक्षा से अपना जीविका निर्वाह करते थे, तो उन्होंने शंकर जी को उपासना की। शंकर जी जब प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो, बोले बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा चाहिए। बोले काम कर वृंदावन चले जा, वहां पर श्री सनातन गोस्वामी रहते हैं, अब उनको पास में जाओ, सब कुछ बोल, मेरा नाम ले लेना, मेरे को शंकर जी ने काशी विश्वनाथ जी ने भेजे हैं, हमें कुछ पैसा चाहिए। वो चल चल करके आए काशी से वृंदावन आए, जब आए पता लगाए सनातन बाबा कहाँ रहते हैं, तो श्री मदन मोहन मंदिर को पास में रहते हैं, बांके बिहारी मंदिर को पास में। जब वहां पर गए देखा बाबा के पास में तो कुछ है ही नहीं, बाबा के पास में माला की झोली बास और यहाँ तक है घुटन तक कपड़ा पहने हुए, हर बैठ करके आंखों से आंसू बहाते हुए बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि नाम कर रहे, बाबा के पास में तो कुछ है ही नहीं, वो हरि नाम कर रहे। इतने में देख करके निराश हो गए, बोले जाकर प्रणाम किया सनातन गोस्वामी, बोले आपको क्या सेवा करे। बोले मैं काशी विश्वनाथ ने आपको पास में भेजा, बोले क्यों, बोले घर में की बेटी है, अभी बेटी की शादी देने के लिए कोई पैसा है नहीं, इसलिए थोड़ी सी पैसा चाहिए। सनातन गोस्वामी बोले मैं जब प्राइम मिनिस्टर पद में था, मेरे पास पर जो जो आए मैं ब्राह्मणों का खूब सेवा किया, किसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, किसको खाने के लिए नहीं, मेरे से जितना समर्थ हुआ मैंने दान दिया है। अभी तो मैं सब कुछ छोड़ करके अभी मतलब फकड़ बाबा हूँ,
किसी तरह से दो रोटी मांग कर, नहीं तो चून लाता हूँ पानी में घोल करके पी लेता हूँ कभी कभी, नहीं तो टिकिया बना करके बिना नमक के टिकिया बना करके उसको ठाकुर को भोग लगाता हूँ और मैं उसको पा लेता हूँ। इसलिए मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं। इतने में ब्राह्मण तो निराश हो गया, क्यों इतनी दूर से चल चल करके आया, काशी तक चल चल करके आया, उसमें ट्रेन तो बस था नहीं, एक दिन में पहुंच जाए हैं, कितना दिन में आए, और ऐसे बोले दुखी हो गए। दुखी हो करके जब जा रहे थे, सनातन गोस्वामी ने सोचा शंकर जी ने भेजा, वो शंकर सब जानते हैं हैं, बोले मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं। जब उनने गहरा रूप में याद किया ना, उसको याद आया अरे मेरे पास में है क्या। जब यमुना में गए थे नहाने के लिए, कमंडल से जो पानी निकाला ना, उसमें एक पारस पत्थर आ गया, और जो लोहे को भी जो सोना बना देता है, उसको मैंने कहाँ पर रखा, जो कूड़ादान में, उसको कूड़ादान में फेंक दिया था मैंने। इसलिए उन्होंने बोले ब्राह्मण देवता आओ इधर आओ इधर आओ, बोले क्या बात है, बोले देखो तो कूड़ादान देखो तो, मेरे को एक पारस पत्थर मिला था, मैंने उसका फेंक रखा था, है कि नहीं। इसको तो सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा, पारस पत्थर, कहते सात राजा का धन मिल करके एक पारस पत्थर को साथ में बराबर नहीं कर सकते, क्यों, जो लोहे को जो सोना बनाए, और लोहे और कितना पैसा लाओ, सोना बनाते रहो, टच करा तो सोना बनाते जाएगा। बोले सात राजा का धन में भी एक पारस पत्थर भी बराबर नहीं। और उनने पारस पत्थर कहाँ फेंक दिया, कूड़ादान, कूड़ादान में क्या फेंकते हैं, घर की कचड़ा, कचड़ा फेंक देते ना बेकार चीज को। उनको तो बड़ा आश्चर्य लगा, कचड़े को उन्होंने कूड़ादान में फेंक करके रखा। इतने में बड़ा आश्चर्य हुआ, गए सचमुच से कूड़ादान को हटाया तो पारस, देखा चमकीले के पत्थर, उनको भी पता नहीं पारस पत्थर क्या होता है, देखे वहां पर चमकीले जैसे के पत्थर है, उनका हाथ में एक ताबीज था लोहे की, जब उनने टच कराया ना, वो झट सोना बन गया। उसको तो बड़ा आश्चर्य लगा, हाँ पारस पत्र कूड़ादान में फेंक रहते, बोले बाबा मिला, बोले हाँ मिला, बोले इसको ले जाओ सब काम हो जाएगा। लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, उनका मन अपने आप बदले गया, बोले अरे उनके पास में ऐसे कौन सा धन है, जिस धन में धनी बन करके पारस पत्र जैसे कीमती चीज को फेंक दिया, जरूर इससे भी कोई बड़ा धन उनके पास में है। वो वापस आ गया, वापस आकर बोले बाबा बाबा एक प्रश्न करूं, बोले बोलो, बोले जेधने धैया धनी, ये बंगला में प्यार लिखे, जेधने हैया धनी मनी रे ना मान मनी सही धन देह मरे खानी एत बोली जमुना जले फैली लो। हाँ वहां पर कहते हैं, बोले ऐसे कौन सा धन में आप धनी बने हो, जिस धन में धनी बने करके पारस पत्थर जैसे को अपने कूड़े में फेंक दे रखे, आप कृपा करके वो धन मेरे को थोड़ी सी दो। तब सनातन गोस्वामी बोले सचमुच से मांग रहे हो ना ऊपर ऊपर से, बोले नहीं बाबा सचमुच से मैं मांग रहा हूँ, मेरे को वो धन थोड़ी सी दो। बोले पहले वो मणि को पहले पानी में जमुना में फेंक करके आओ, हैं फेंक करके आओ, फिर वो धन मैं तुमको प्रदान करूंगा। उनको विश्वास हो गया था, उन्होंने उनको सचमुच से उन्होंने फेंक दिया पानी में, फेंक करके नहा धो करके जब आए तब उनको उन्होंने ऐसे माला और झोली दिए। बोले देखो ये जो भगवान का नाम है, कहते नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिर्नत्वात् नाम नाम। बोले ये जो भगवान का नाम है, ये चिंतामणि है, उस दिन सुना रहा था ना कथा में, चिंतामणि जो मांगो वही मिलता है, शंकर ब्रह्मा नारद की जो सब कुछ देते है ना, कहाँ से देते हैं, भगवान के नाम के बल पर सब कुछ प्रदान करते हैं। ये नाम नहीं, ये चिंतामणि, जो मांगो नाम से वही मिलेगा, वही मिलेगा भगवान का नाम से। इसलिए तब उन्होंने के माला झोली पकड़वाए, बोले बेटी की शादी की कोई चिंता मत करो, बैठो और भगवान की भजन करो, बेटी की शादी अपने आप हो जाएगा। उनको विश्वास हो गया और उन्होंने बैठ करके बस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, बस भजन करते रहे, बेटी की शादी अपनी उनका हो गया और इनका भी भजन, उनका भी भगवत प्राप्ति हो गई। हाँ उस समय सुनाई पड़ता है, जब उन्होंने अकबर का राजदूत था, जब उसने सुना उनको पारस पत्थर मिला था यमुना में फेंक दिया, कहते वो लोहे की जाल बनाया, कोशिश किया उसको निकालने के लिए, कहे दो चार पत्थर तक
जो चार लोहे तो कभी सोना हो गया लेकिन वो पारस पत्र हाथ में नहीं आया। हाँ, इसलिए भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि है। लेकिन बोले आप बोले हमारे तो कुछ अभी हो ही नहीं रहा है, हम तो इतना नाम कर रहे हमारे हो ही नहीं रहे हमारे। बोलते हरि नाम करने के लिए जैसे कोई बीमारी है, बीमारी डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर बोलेगा दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में लोगे तो दवा काम करेगा है। इसके लिए परहेज भी शास्त्र ने बताया, 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा तभी जाकर के ये नाम तुम्हें फलीभूत होगा। क्या 10 नियम? कल हम कल सुनेंगे। क्या 10 नियम को साथ में हरिनाम करे, जो जो मांगो हरिनाम आपको वही प्रदान करेगा। ठीक है, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। बोले सचिन नंदन गौर हरि की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। सनातन गोस्वामी की जय। निताई गौर ब्रह्मानंद हरि। इसमें लाइव करना अच्छा होता है, लोग देखने में अच्छा लगता है, उसको ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। लगता है ना हरे कृष्णा 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 हरे राम बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।